हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यानी कि एक समान ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। बेसिकली हम जानते हैं यूनिट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है वी इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, जहाँ पे आर को हम उन दो द्रव्यमानों के या कणों के बीच की दूरी मानते हैं जिस पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई एक ठोस गोला है जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिसपे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, और इस गोले की जो त्रिज्या है उसको हम ए माने हैं। तो उस गोले की लिए जो जो आयतन होगा वो होगी 4/3 πa³, क्योंकि हमने त्रिज्या को ए मानी है इस वजह से। और उस ठोस गोले का घनत्व निकल जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन के फॉर्मूला से, ये हो जाएगी रो इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाई 4/3 πa³। यहाँ पे रो क्यों लगा भाई, हमने तो उसमें सिग्मा निकाली, यहाँ पे रो क्यों? तो हमने निकाला तो वहाँ पर पृष्ठीय घनत्व, यहाँ पे निकाल रहे हैं आयतन घनत्व, इस कारण यहाँ पे रो लगी है। अब ये जो ठोस गोला है उस ठोस गोले को हम कई छोटे छोटे परतों से मिलकर बनी हुई एक कई खोखली गोली के रूप के से मिलकर बनी मान सकते हैं, जिसके सेंटर जो समान है। मान लीजिए उससे एक सेंटर से एक दूरी पर एक गोली खोल ले रहे हैं जिसकी मोटाई डी एक्स है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि उस गोली खोल का जो आयतन होगा वो हो जाएगा गोली खोल के क्षेत्रफल और गोली खोल की मोटाई के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी कि गोली खोल का क्षेत्रफल जितना एरिया वो कवर किया है वो तो उसने कवर किया भाई 4πx² एरिया को उसने कवर किया, और गोले की मोटाई कितनी है, गोले की मोटाई डी एक्स है, तो ये हमने लिख ली। तो इस प्रकार से हमको गोले का आयतन हमको मिल जाएगा। अब बात करें उस गोली खोल का द्रव्यमान कितना है, जो गोली खोल हम लिए हैं उसकी मास कितनी है, तो उसके लिए निकालते हैं आयतन गुणा घनत्व का फॉर्मूला। सो आयतन निकाले हैं भाई 4πx² dx, और घनत्व जानते हैं रो, तो हमने ये लिया, तो इस प्रकार से ये मिली। अब इस गोली खोल के कारण r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर गुरुत्वीय विभव dv इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस जी इंटू खोल का द्रव्यमान डिवाइड बाई खोल के केंद्र से पॉइंट P के बीच की दूरी। सो यहाँ पे देखिए dv इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस जी क्रॉस 4πx² dx इंटू रो डिवाइड बाई r, ठीक। इस प्रकार से हमको ये वैल्यू मिलेगी, जिसको इस प्रकार से हम अरेंजमेंट किए हैं, x² / r का टर्म निकाले हैं, ऐसा थोड़ा सा चेंज किए हैं। यहाँ पे तीन केसेस हो सकती हैं जिस पे हम पॉइंट P पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। पहली केस हो सकती है जो कि वो जो पॉइंट P है उस गोला के अंदर है, ठोस गोले के अंदर हो। दूसरी केस हो सकती है बाहर हो। तीसरी केस हो सकती है सरफेस पे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोली खोल के बाहर जब रहती है, नहीं उस गोले ठोस गोले के बाहर पॉइंट P है जिस पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तब देखते हैं क्या होता है। सो ऐसे में जो है इसके लिए जो है लिमिट्स होंगी, वो होगी x = 0 से x = a तक। कहीं पे भी वो गोली गोल मतलब उस गोले में गोले से r दूरी पर x = a तक वो जो है उपस्थित हो सकता है पॉइंट P, ठीक है। तो ठोस गोले के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव इज इक्वल टू हो जाएगी 0 से a तक इंटीग्रेट किए हैं -4πg रो इंटू x² / r · dx। यहाँ पे dx का इंटीग्रेटेड फॉर्म है, सो यहाँ पे x² का ही इंटीग्रेट होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसने कांस्टेंट कर दी और बचा x³। सो x³ का जब हम करेंगे भाई तो ये आ जाएगी, x² करेंगे तो x³/3 इस प्रकार से आएगी। उसकी लिमिट्स हो जाएंगी, अपर लिमिट में जाएंगी a और लोअर लिमिट में जाएगी 0। हम इस लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के पश्चात हमको ये मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, -4π/3 a³ ρg। तो देखिए ये वाले जो टर्म है टोटली, ये जो टर्म है उसको हम जानते हैं m के नाम से, और m क्या है भाई, गोली खोल का द्रव्यमान है। तो हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी कि माइनस जी एम डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू आर
सॉरी वी आर वेरी टू ए, इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। इसको इक्वेशन तीन मान लीजिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है इंटेंसिटी क्या होगी उस, ठीक है, मतलब उस फील्ड में तो है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो निकली, उसमें कितना इंटेंसिटी है, तो ये निकलती है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसकी प्रवणता से। स्लोप निकाल कर हम फाइंड आउट करते हैं कि उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ये निकलेगा आई आर इज ग्रेटर देन टू ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर इंटू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन के फॉर्म में है तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी, यानी कि माइनस जी एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमको इंटेंसिटी उस पॉइंट पी पे मिलेगी जब वो पॉइंट पी उस ठोस गोले के बाहर स्थित हो। अब बात करें दूसरी केस में, तो जब वह गोले के सरफेस में रहता है, ऐसे में समीकरण तीन और चार को क्या करें, रिप्लेस कर दें किससे भाई, आर इक्वल टू ए से, आर को ए से रिप्लेस कर दें तो मिलेगा हमको वी आर इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई ए, और इंटेंसिटी मिल जाएगी आई आर ए इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। इस प्रकार से हमको जो है सेकेंड केस में जो है जब इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। अब बात करें तीसरी केस में, जब पॉइंट पी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर स्थित हो, सॉरी गोले के अंदर स्थित हो, उस ठोस गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि आर छोटी हो जाए ए से, ऐसी कंडीशन हो, तब क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट पी को कुछ गोली खोल के अंदर और कुछ गोली खोल के बाहर मानेंगे। इसकी लिए जो है लिमिट्स इस प्रकार से होंगी, एक्स इक्वल टू आर से एक्स इक्वल टू ए तक हो सकती है जब अंदर की बात करें, और जब बाहर की बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक वो बाहर की ओर हो सकती है। तो ऐसे में हम टोटल पोटेंशियल जब निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वी वन और वी टू के योग के बराबर होगी, यानी कि अब हम वी वन निकालेंगे तो हो जाएगा भैया माइनस जी क्रॉस त्रिज्या आर के ठोस गोले का द्रव्यमान डिवाइड बाई आर जो कि दूरी है, ये हो जाएगी। ये हम निकाल चुके हैं भाई, क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं हम माइनस जी चार बटे तीन पाई आर त्रिघात रो डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर कैंसिल होगी, ये आर स्क्वायर टर्म आएगी जी एम रो, इस प्रकार से आई। अब आर टू सॉरी वी टू के लिए जब निकालेंगे इसी चीज़ को, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी क्रॉस खोल का द्रव्यमान डिवाइड बाई खोल की त्रिज्या, ठीक है, हमने ये चीज़ बात की थी पहले, ये वाले उस डायग्राम वही चीज़ की है, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस जी क्रॉस फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्रॉस रो डिवाइड बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगी यहाँ से एक भाग, तो बचेगी क्या डी वी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई जीरो एक्स डी एक्स। अब जो है देखिए यहाँ पे एक्स जो है वी टू का मान जो है उपरोक्त समीकरण को एक्स के मान को एक्स इक्वल टू आर से एक्स इक्वल टू ए तक जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी वी टू की, ये हो जाएगी वी टू इज इक्वल टू इंटीग्रेट आर टू ए माइनस फोर पाई जीरो एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका होगा एक्स का होगा भैया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, अब इसका लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या करेंगे भाई हम, अब वी वन और वी टू की वैल्यू को रखेंगे, मैंने कि दो वैल्यू निकालेंगे उसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, या फिर हमको फाइनली जो है यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी माइनस जी एम डिवाइड बाई टू ए स्क्वायर ए क्यूब इंटू थ्री ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जब आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी की, वो पॉइंट पी ओरिजिन पे हो जाए, तो ये जो टर्म है आर जो है ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इस प्रकार से आएगी इंटू जी एम डिवाइड बाई ए। यहाँ पे देखिए जी एम डिवाइड बाई ए उस गोले का पृष्ठ विभव है, सो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर जो विभव होती है वो उस गोले के पृष्ठ पर विभव का तीन गुना, तीन बटे दो गुना होता है, ठीक है।